अमेरिका के एक हिंदू लड़की थी और यहाँ उसकी शादी हुई इंडिया में। तो वो अब तो एक नया सिस्टम चला है, बातचीत हो जाती है शादी के पहले, पहले नहीं होती थी। तो बच्चे और दोनों ही नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी करते थे। लड़की भी किसी अच्छी कंपनी में थी, लड़का भी किसी अच्छी कंपनी में था। इंडियन बाप था, उसने चिंतन किया हो सकता है दहेज मांगा जाए। तो उसने पूछा, तो वर वधू दोनों ने मिलकर के ये तय कर ली कि पिताजी के पास में बहुत पैसा है, इसलिए दहेज तो ले लेना चाहिए। लड़की ने भी कहा कि ठीक है, ले लेना चाहिए। और उसके बाद में करके उन लोगों ने मिलकर के यहाँ भारत में मकान बनाए, लगभग 50 या कितने हो सकता है, आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी। और वो दहेज में जितना जो कुछ मिला था उन सबको लगभग 50-100 घर बना करके गरीब लोगों के बीच में बांट दिए। कितनी सुंदर शादी थी, ऐसी शादी हुई थी। यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो जिनके पास में घर नहीं है उनको थोड़ी छाया दे दो। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, बेफिजूल खर्ची क्यों करते हो, अपनी शादी में थोड़ा बचा लो। और जो गरीब घर की बेटियां हैं उनकी शादी में लगा दो। जिसके मोहल्ले के अंदर में एक बेटी अर्थाभाव के कारण शादी नहीं हो पाती या किसी कारणवश से, तो केवल उस परिवार को दोष नहीं लगता है, उस मोहल्ले और गाँव को भी दोष लगता है। इसलिए हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में ऐसी समितियाँ होनी चाहिए कि किसी भी गरीब बाप की बेटी अर्थाभाव में कभी रोए नहीं। ये संकल्प लेकर के चलना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल की परंपरा होती थी, जब लड़की की शादी होती थी तो बहुत धन लोगों के पास में नहीं होता था, तो पहले एक चलता था व्यवहार। तो लोग एक पलंग पर या कुर्सी डाल करके बैठ जाते थे, रजिस्टर रख लेते थे, और जो भी नाते रिश्तेदार या मोहल्ले के लोग होते थे वो व्यवहार लिखाने आते थे। व्यवहार लिखाया जाता था कि भाई आज इसके पास में ये हमको दे रहा है, कल जब इसके भी घर में शादी होगी। अगर ऐसा जो मानव का प्रेम था, एक दूसरे में जो संगठन था, ईगो के कारण हम लोगों ने ये सब बंद कर दिया कि हमको कोई जरूरत नहीं, व्यवहार व्यवहार का बंद करो, हमें कोई जरूरत नहीं। भैया तुम कितने भी धनवान हो गए हो, अगर कोई व्यवहार लाता है तो ले लो, और कोशिश करो कि उससे 10 गुना तुम अगले और लोगों के व्यवहार में तुम दे दो। लेकिन ये परंपराएं मिटने मत दो, क्योंकि ये परंपराएं मानवता की रक्षा करने के लिए उपहार हैं। ये जब चली जाएंगी तो दोबारा आप ऐसी परंपराएं बना नहीं पाओगे, कठिन हो जाएगा। इसलिए पूर्वजों की परंपराएं बनाई हुई हैं, उन्हें बनाए रखो। इस तरह से बड़ी सुंदर बात हुई। भगवान शंकर जी ने कहा, फिजूल खर्चे मुझे पसंद नहीं, बैंड हम खुद ही बजा लेंगे। बोले आप बैंड, दूल्हा बैंड बजाएगा? बोले हाँ। बोले बैंड कहाँ से आएगा? बोले वो हमारा डमरू। भगवान शंकर जी का डमरू आप क्या समझते, साधारण थोड़ी है। भगवान शंकर जी का डमरू ऐसा है, ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकामा सनकादि सिद्धो नेतद विमर्शो से सूत्र जाना। इसी डमरू से चारों वेद निकले, संगीत के सप्त स्वर निकले। भगवान विश्वनाथ जी सबके आचार्य हैं, जो संगीत वाले होते हैं वो भी आचार्य के रूप में शंकर जी का पूजन करते हैं, और व्याकरण वाले होते हैं वो भी आचार्य के रूप में शंकर जी का ही पूजन करते हैं। शंकर जी से सारी विधाएं निकलती हैं। ननादि ढक्काम नव पंचवारम नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, ऐसे भगवान शंकर जी ने अपना डमरू संभाला। और कर त्रिशूल अर डमरू बराजा चढ़े बसें चढ़ बाजा ही बाजा। अब कहा दूल्हा के लिए घोड़ा लाया जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, घोड़ा कहाँ से लाओगे, मेरा बैल लाओ। अब भगवान शंकर जी बैल पर बैठ गए, और बैल धर्म का प्रतीक होता है। और भगवान शंकर जी जब बैल पर बैठे तो पुरोहित ने कहा कि महाराज इसमें लिखा हुआ है कि दूल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। अब इसको लगाम है ही नहीं, आप बैल पर बैठे हुए हो तो आपको लगाम कैसे पकड़ाई जाए। तो भगवान शंकर जी का डजेंटमेंटर, आई हैव अ गुड आइडिया। भगवान शंकर जी ने एक पांव उठाया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए पीछे की तरफ, और बैल की पूंछ पकड़ ली, कहा खींचो मेरा फोटो, ठीक है कि नहीं। और ये जो दृश्य है, ये जो फोटो है, ये बड़ी सुंदर प्रेरणा देता है। राम जी जब विवाह के लिए जाते हैं तो दूल्हा बनकर के तो घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो घोड़ा है कौन,
जनु बाज वेश बनाए मनसज राम हित अति सोहई। भगवान राम काम को ही घोड़ा बना लेते हैं और चलते हैं। तो गृहस्त जीवन काम की उच्छृंखलता के लिए नहीं है, साधना के लिए है कि जब वैवाहिक जीवन में तुम प्रविष्ट हो जाओ तो तुम पत्नी तुम्हारी साधना में सहायक बने और पति पत्नी की सहायता साधना में सहायक बने, दोनों का मन इधर उधर ना भटके, इसके लिए पति और पत्नी दोनों होते हैं। राम जी के सामने शूर्पणखा उनके मन बहकाने के लिए आई तो राम जी ने गृहस्थ जीवन का दृश्य दिखाया कि गृहस्थ पुरुषों के पास में भी ऐसी स्त्रियां आ जाती हैं जो वदचलन होती हैं, उन्हें भी उन्हें चरित्र पथ से हटाने की अगर कोशिश करें तो शूर्पणखा का यद्यपि विवाह हुआ था, पति उसका मर गया है, लेकिन वो राम से कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी और ताते अवलग रही कुमारी। क्या वो कुमारी थी? मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो श्री राम जी ने कहा कि अगर गृहस्थ के जीवन में ये परिस्थिति आ जाए कि अगर कोई वदचलन औरत उसे आपके पद से चरित्र से हटाना चाहे तो राम जी की शिक्षा लेना। राम जी को शूर्पणखा जब देख रही है वो कह रही है तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो राम जी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं लेकिन देख किधर रहे हैं? शूर्पणखा से बात करते हुए राम जी किधर देख रहे थे? सीते चेताए कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु सीत कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु। शूर्पणखा से बात कर रहे हैं पर देख के धर रहे हैं। रामचरितमानस में लिखते हैं कि सीते चिते, अगर ऐसी कोई स्त्री चरित्रहीन स्त्री अगर आपको अपने पद से चरित्र से डिगाने की कोशिश करे तो पति को चाहिए कि उस समय वो अपने पत्नी का चिंतन करे। श्री राम जी शूर्पणखा की ओर देख नहीं रहे, बात कर रहे हैं उसे लेकिन देख रहे हैं अपनी पत्नी की ओर, सीता की। सीते चिते कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु राता। तो ये ध्यान रखना, रामचरितमानस के सिद्धांत मानवीयता को सजाने के श्रृंगार के आभूषण हैं और भगवान शंकर जी ने कहा कि ये फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं। तो भगवान राम जी जब विवाह में गए तो कैसे गए कि काम को घोड़ा बना करके गए, उन्होंने काम को ही घोड़ा बना लिया है, माने काम को कंट्रोल करने के लिए वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन अगर चरित्रवान बन करके रहे तो उसे ब्रह्मचारी माना गया है, राम जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, कृष्ण जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, चरित्रवान होकर के रहो। और इस प्रकार से दूसरी बात, जो भगवान शंकर जी जब विवाह करने के लिए गए तब किस पर बैठ करके गए? बैल पर बैठ करके गए। बैठ मानी धर्म। गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाने के बाद में भी जो लोग धर्म की पूछ पकड़े रहते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। कितनी भी तुम्हारी जिम्मेवार, ये कथाएं बार बार होंगी क्या? कितना प्रयत्न करने के बाद में कितने लोग महीनों से, हमारे गुप्ता जी कम से कम एक वर्ष से लगे हुए हैं कि महाराज जी कथा होनी है, कथा होनी, कथा। तो जब कथा मिले तो सारे कामों को छोड़ो, कहो कि काम तो चलते रहेंगे, दुकान चलती रहेगी, मकान बनता रहेगा, ये काम होता रहेगा, वो काम होता रहेगा, लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। इसलिए जीव जब जब चला तब अकेला चला। तुम उधर भी देखते चलो कि इस लोक के बाद में तुम्हें दूसरे भी लोक में जाना है। हित परलोक लोक पितु माता, राम नाम कले अभिमत दाता। ये राम नाम इस संसार में भी माता पिता का काम करता है और मरने के बाद में ऊपर भी माता पिता की तरह दुलार देता हुआ तुम्हें मिलता है, तुम्हारी सदगति भी संभालता है। इससे बड़ा साधन कोई और नहीं है। जे सप्रेम नर सुनहि जे गावहि और सुख संपत्ति नाना विधि पावे हैं। ये राम कथा केवल श्रवण करने की चीज नहीं है, ये आपको जो भी मनोकामना हो अगर आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो तो सारी मनोकामनाओं को राम कथा पूर्ण कर देती है। जे सप्रेम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावे हैं, नाना प्रकार की सुख समृद्धि राम कथा को श्रवण करने से। तो भगवान शंकर जी बैल पर बैठ करके चले और वो ये शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ जीवन में भी धर्म को आरूढ़ रहना और धर्म की पूंछ को जो लोग नहीं छोड़ेंगे उनका कभी पतन नहीं होगा, इसलिए धर्म को मत त्यागना।